लैंगिक हिंसा संबोधन संबंधी प्रेषण प्रणाली। लैंगिक हिंसा संबोधन संबंधी प्रेषण प्रणाली के मतलब लैंगिक हिंसा से प्रभावित व्यक्ति सबके समय में ही उचित आ प्रभावकारी सेवा प्रवाह करे के लेल एगो सेवा प्रदायक से अन्य संबंधित सेवा प्रदायक सबके पास पठावे के या सिफारिश करे के व्यवस्थित संयंत्र है। मनोसामाजिक परामर्श केंद्र से दीपा कानूनी सहायता समिति के लिखले प्रेषण पत्र लेके निकले य। दीपा कानूनी सहायता समिति के कार्यालय में पहुँच के अपना संगे रहल पत्र कार्यालय के अधिवक्ता के दे रहल छत। अधिवक्ता दीपा के आवश्यक कानूनी परामर्श देवे के शुरू करय। अपन स्थानीय तह अंतर्गत के लैंगिक हिंसा से प्रभावित महिला तथा बाल बालिका के केंद्र बिंदु में राख के उस सब के जल्दी से जल्दी आ प्रभावकारी रूप से आवश्यकता अनुसार के सेवा सब देवे के लेल प्रेषण प्रणाली के स्थापना करे के होय। प्रेषण प्रणाली स्थापना के लेल गाँव पालिका नगर पालिका प्रेषण प्रणाली संबंधी स्थानीय एन आ कार्यविधि निर्देशिका तैयार करके गाँव तथा नगर सभा या कार्यपालिका के बैठक से स्वीकृत कैला के बाद लागू करे के होय। ऐसन प्रेषण प्रणाली न्यायिक समिति अंतर्गत या न्यायिक समिति संघ के समन्वय में काम करे के हिसाब से स्थापना कैल जा सकत है। प्रेषण प्रणाली स्थापना करे के उद्देश्य सब एहन किस्म के रहल है। लैंगिक हिंसा के सवाल सबके संबोधन के लेल सक्रिय रूप में काम करे के स्थानीय स्तर में कार्यरत निकाय सबके परिचालन करके एकीकृत रूप में हिंसा प्रभावित के जल्दी से जल्दी साथे प्रभावकारी सेवा प्रवाह करे के हिंसा प्रभावित के तत्कालीन आ दीर्घकालीन आवश्यकता सब में सहयोग पहुँचावे के हिंसा प्रभावित के जल्दी से जल्दी आ सहज रूप में सहयोग पहुँचावे में सम्बद्ध निकाय सब बीच समन्वय स्थापना करे के विशेष करके महिला बाल बालिका तथा अन्य लैंगिक हिंसा प्रभावित के अधिकार के संरक्षण के लेल रणनीतिक रूप में उच्च प्राथमिकता के साथ क्रियाशील रहे के स्थानीय तह में घटल घटना सब के संख्या प्रकार प्रकृति के आधार में सेवा प्रदायक निकाय सब तथा प्रेषण प्रणाली के माध्यम से पीड़ित प्रभावित सब के सेवा के पहुँच में अभिवृद्धि करे के। प्रेषण प्रणाली अंतर्गत के निकाय संस्था सब। प्रेषण प्रणाली अंतर्गत अपन गाँवपालिका या नगरपालिका भीतर रहल लैंगिक हिंसा प्रभावित सब के लेल आवश्यक विभिन्न सेवा सब प्रदान करे के निकाय आ संस्था सब जैसे आवश्यक सेवा सब उपलब्ध करावे के अपने स्थानीय तह के विभिन्न शाखा सब या अपन स्थानीय तह में अवस्थित निकाय संस्था या अपन स्थानीय तह समेत कार्य क्षेत्र भेल रहय। प्रेषण प्रणाली अंतर्गत उपलब्ध करायल जाय वाला प्रमुख सेवा सब एहन किस्म के रहल है। मनोसामाजिक परामर्श सेवा, पीड़ित आ साक्षी के सुरक्षा संरक्षण, स्वास्थ्य इलाज सेवा, कानूनी सेवा, सीप मूलक तालीम संबंधी सेवा, व्यवसाय संचालन में सहयोग पहुँचावे वाला सेवा, शिक्षा संबंधी सेवा, आवास गृह या पुनर्स्थापना केंद्र संबंधी सेवा, उद्धार संबंधी सेवा, सामाजिक पुनर्स्थापना के सेवा, पारिवारिक पुनर्एकीकरण सेवा, सूचना प्रदान करे के सेवा, पीड़ित प्रभाव प्रतिवेदन तैयारी संबंधी सेवा, न्यायिक समिति समक्ष निवेदन परल लैंगिक हिंसा संबंधित मुद्दा के प्रभावित व्यक्ति के न्यायिक समिति के सिफारिश या आदेश पर प्रेषण प्रणाली में आबद्ध निकाय आ संस्था सब के आवश्यक सेवा उपलब्ध करावे के होय। न्यायिक समिति के आदेश बमोजिम गाँव पालिका के अधिकृत पीड़ित किशोरी के संगे लेके पुनर्स्थापना केंद्र पहुँचे छत। उ पुनर्स्थापना केंद्र के वार्डेन के अधिकृत न्यायिक समिति के आदेश के पत्र दे छत। वार्डेन पीड़ित किशोरी के पुनर्स्थापना केंद्र भीतर ले जाय छत। लैंगिक हिंसा संबोधन संबंधी प्रेषण प्रणाली संबंधित गाँवपालिका के या नगरपालिका के महिला तथा बाल बालिका शाखा चाहे सामाजिक विकास शाखा के संयोजकत्व में गठन कैल जा सकैया। ऐसन प्रेषण प्रणाली में अपन स्थानीय तह में आवश्यक सेवा सब उपलब्ध करावे वाला सभ्य निकाय तथा संस्था सब सदस्य के रूप में रहैया। लैंगिक हिंसा प्रभावित व्यक्ति प्रेषण प्रणाली में आबद्ध जोन कोनो निकाय या संस्था के संपर्क में अयला बाद प्रभावित व्यक्ति के आवश्यकता
अनुसार अन्य सेवा प्रदान करेला निकाय या संस्था में सिफारिश करेको हो। पेंशन प्रणाली में आबद्ध निकाय आ संस्था सब दोसर का निकाय या संस्था में सिफारिश होके आयल लैंगिक हिंसा प्रभावित व्यक्ति के अपने प्रदान कैले सेवा उपलब्ध करावे के हो। पेंशन प्रणाली के संयोजक निकाय पेंशन प्रणाली अंतर्गत प्रदान कैले सेवा सबके अभिलेख राखे के हो। पेंशन प्रणाली अंतर्गत सेवा प्रदान कैले लैंगिक हिंसा प्रभावित व्यक्ति के गोपनीयता कायम राखे के हो। उप प्रमुख के अध्यक्षता में बैठल पेंशन प्रणाली में आबद्ध निकाय आ संस्था सबके बैठक में सेवा सबके प्रभावकारिता संबंध में बातचीत कर रहल है। बैठक में सहभागी सब व्यक्ति कैले विचार सबके आधार में सेवा सबके और प्रभावकारी बनावे के संबंध में सब लोग सहमति जनबैय। पेंशन प्रणाली में आबद्ध निकाय आ संस्था सब बीच के समन्वय आ प्रदान कैल जाय वाला सेवा सबके प्रभावकारिता के लेल आबद्ध निकाय आ निकाय सबके नियमित बातचीत आ बैठक राखे के होय। स्थानीय तह अपन सभा या कार्यपालिका से लैंगिक हिंसा संबोधन करे के लेल पेंशन प्रणाली संबंधी स्थानीय एन या कार्यविधि निर्देशिका पारित कके लागू करे के होय।